राजकीय मध्य विद्यालय बरचुंदी की स्थिति से हम लोग अवगत होना चाह रहे हैं और ये अपील हमारे जिला पदाधिकारी डीएम साहब को दिया जा रहा है, इसलिए कि पिछले 8 महीना से इस विद्यालय में बहुत सारी चीज़ जो होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। बच्चे एमडीएम से वंचित है और साथ में जो खिचड़ी पकाने वाले लोग हैं वो लोग भी खिचड़ी ना बनने के कारण वो अपने आर्थिक स्थिति से मजबूर है और हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं उनके साथ क्या दुख दर्द है और उनकी क्या पीड़ा है। बोलिए शुरू कर। आठ महीना से दरमा नहीं मिले। अच्छा स्कूल अच्छी मेरी स्कूल बरचुंदी तो हमारे गरीब आदमी तो हमें खेना वाला खाई पूरे जन दो आ गया वार्षिक खाए दे हाथा गोची तो बचे से तो खाची नहीं बचे से नहीं खाची घर था हमारा परेशान से दरमा मिल जाए हमारे बारह छह मन करे एक छा दरमा नहीं मिल जाए चार पाँच महीना होल दे एक छा दरमा दे दी दी महीना तीन महीना एक महीन कार छिड़ा छिड़ा दरमा दी से बोल उड़ा काम नहीं होगी इधर काम बोल बोलो तो हमारे दरमा नहीं मिले कै महीना से तेरह महीना से नहीं मिले दरमा हमारा की खे की रो कम कर गरीब मानस हमारा खिचड़ी नहीं पके छोला छोला भैया से कोई छुआ अच्छे नहीं बेसी खिचड़ी नहीं पके तो उजबे कम ने छुआ भैया से मजबूरी से खिचड़ी रानी ला हम खिचड़ी पकवा ची हम दरमा मिलवे दरमा मिलवे हम अपना ये करो खामा पीमो रो कुछ तो मिल ही नहीं डेमेर से तो आप हम को कुछ बात करो होगी। और बच्चों आप लोगों का क्या शिकायत है चलिए बोलिए तो आप लोग हम लोग मध्य विद्यालय बरचुंदी का छात्र है हमारी मांग और सभी पदाधिकारी से है कि हमारे विद्यालय में पिछले 8 माह से एमडीएम बने जो हमारा एक बच्चा बोलो ना वंचित रखा गया है इसका जिम्मेदार कौन एमडीएम ना मिलने से हम लोग एक बजे तक विद्यालय से भाग जाते हैं और हमारे बहुत सारे साथी जो काफ़ी गरीब हैं वो विद्यालय ना आकर खेत में काम करने चले जाते हैं एमडीएम ना मिलने के कारण हम लोग सड़क पर आंदोलन करेंगे। ताली बजाओ सबके लिए।